टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। इस तस्वीर से सामने आने से कॉरपोरेशन चुनाव में काफी फेरबदल का अंदेशा लगाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं एनसीपी के कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान और शिवसेना के सुधीर भगत की। आज घंटों पिंटिया दादा हाउस पर सुबह सुबह शमीम खान और सुधीर भगत में एक मीटिंग हुई है। हालांकि इस मीटिंग में क्या बात हुई है, शमीम खान और सुधीर भगत में क्या बात हुई, दोनों लोग आपसी कामकाज की बात कैमरे पर बता रहे हैं, मगर वहीं शमीम खान ने इशारों इशारों में ही कहा है कि हमारी पार्टी में सुधीर भगत का स्वागत है। इस मुलाकात को आने वाले कॉरपोरेशन चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या शिवसेना का दामन छोड़कर सुधीर भगत अब एनसीपी में शामिल होंगे। इसके पहले भी कई बार खबरें सामने आ चुकी हैं कि जल्द ही सुधीर भगत एनसीपी में शामिल होंगे, मगर शमीम खान के साथ आज हुई मीटिंग में जो तस्वीरें दोनों की एक साथ सामने आई दादा पिंटिया हाउस से निकलने के बाद, काफी देर तक शमीम खान बंगले के बाहर ही खड़े रहे। इसके बाद मंत्री जितेंद्र आव्हाड की गाड़ी आई और इसमें बैठकर शमीम खान वहां से रवाना हुए। हालांकि दोनों लोग यानी कि शमीम खान और सुधीर भगत अपने अपनी पार्टी का वफादार बता रहे हैं, मगर एक साथ जो तस्वीरें सुधीर भगत और शमीम खान की सामने आई हैं, इससे मुंब्रा में राजनीति की चर्चा अब तेज हो गई है कि क्या सुधीर भगत एनसीपी में शामिल होंगे। ये चर्चा चारों तरफ तेजी से फैल गई है। सुधीर भगत ने इससे इनकार भी किया है कि उनका कोई इरादा नहीं है, वो एनसीपी में शामिल होंगे। हालांकि शमीम खान ने इशारों में ही कहा है कि एनसीपी में सुधीर भगत का वेलकम करने के लिए वो खड़े हुए हैं, मगर मीटिंग जब खत्म हुई इस दौरान हमने शमीम खान और सुधीर भगत से भी बातचीत की कि आखिर आज जो दोनों लोगों ने मीटिंग की है, क्या आने वाले कॉरपोरेशन चुनाव में काफी फेरबदल होगा, क्या रणनीति तय की जा रही थी आज की मीटिंग में, लेकिन दोनों लोगों ने ही बातों को घुमाकर अपने अपने काम की बात बताई कि मीटिंग में वो अपने काम की बात कर रहे थे। बहरहाल क्या बातचीत हमने की है सुनिए। चलिए भाई, आज आप सुधीर भाई के यहाँ बंगले पे आए मिलने के लिए, कुछ खास वजह? सुधीर भाई मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, एक अच्छे सामाजिक इंसान हैं, और आज मैं कोई फर्स्ट टाइम नहीं आया इस्लामुद्दीन भाई कि आप कहीं हमारी गाड़ी देख लीजिए और आप पहुंच गए अंदर। ऐसा हमारा आना जाना लगा रहता है और मैं उनके घर पे हूँ। आज उनके घर पे मैंने नाश्ता किया है, कॉफी किया उनके साथ, और रही बात ये कि कभी भी कोई शहर के मामलात को लेकर, कोई शहर के किसी भी हालात को लेकर के हम लोग डिस्कशन भी करते रहते हैं, कभी फोन पे भी करते हैं। अभी बीच में कोरोना काल के वक्त भी हम लोग एक दूसरे के कोऑर्डिनेट में रहते थे, सुधीर भाई मुझसे, मैं सुधीर भाई से। तो ये जो रिश्ता है हमारा, एक शहर का रिश्ता है, एक भाई भाई का रिश्ता है, वो राजनीति से कहीं ऊंचा है इस्लामुद्दीन खान। तो इन रिश्तों के कारण हम लोग मिलते रहते हैं और कभी भी शहर के अच्छे कार्यों में सुधीर भगत जी भी हमेशा आगे रहते हैं और हम सब मिलकर के हमारे शहर को अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये भी माना जा रहा है कि सुधीर भाई जो है शायद एनसीपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए मैं आपसे राजनीतिक बातें तो ये सुनने के कॉर्पोरेशन का नहीं, देखिए ऐसा है, आप लोग क्या रणनीति बना, देखिए ऐसा है कि ये सब चीजें जो आप पत्रकार भाई लोग सोच लेते हैं, ये चीजें आप लोग बहुत ऊंची बहुत आगे जाके सोच लेते हैं। फिलहाल कोई ऐसी बातें नहीं है, लेकिन रही बात ये कि इलेक्शन और चीजों को लेकर के, तो उसके बारे में हमारा उनके साथ कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है फिलहाल अभी इस वक्त। बाकी रही बात ये कि अगर वक्त, अरे इलेक्शन तो वक्त भी है, वक्त है इलेक्शन को, और अगर सुधीर भगत जी जैसे लोग अगर हमारे पक्ष से आकर के इलेक्शन लड़ें तो मैं तो उनको दावत दूंगा, मैं दावत दूंगा ऐसे लोगों को जो आदमी हमेशा शहर में रह करके अपने वार्ड और जहां से वो इलेक्शन किसी वजह से कम वोटों से जो भी चीजों से उनको दिक्कत हुई थी,
अगर वहाँ भी रह करके वो एक्टिव रहते हैं, शहर में भी रहकर एक्टिव रहते हैं। चर्चा चल रही थी कि सुधीर भगत जो है वो एनसीपी में शामिल होने वाले हैं, एनसीपी से चुनाव लड़ेंगे और आज आप यहाँ पर पहुँचे भी, तो इस दौरान क्या आप लोगों में चर्चा हुई वो बताइए। देखिए इस्लामुद्दीन भाई, ऐसा है कि मैंने पहले कह दिया कि आप पत्रकार भाई लोग बहुत ज्यादा आगे की सोच लेते हैं, लेकिन आज का हमारा यही कहना आपको इस इशू के ऊपर कि सुधीर भगत जी जैसे शख्स अगर हमारी पार्टी में आकर के इलेक्शन लड़े, तो मैं तो अभी उनसे ये सब बात अंदर नहीं किया हूँ, लेकिन जब आपने पूछ लिया है तो उनको न्योता देता हूँ मैं, अगर वो आ जाएं तो हमारे लिए और खास करके हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में हम लोग सब काम करके पार्टी को और शहर को तरक्की पर लेके जाएंगे, लेकिन अभी उसको बहुत वक्त है, अभी कोई ऐसा हमारा उनके साथ कोई चर्चा नहीं है। ये सब चीजें आप जो सोच रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उनकी सोच में कभी हो जाए तो उनका वेलकम। क्या कहते हैं भाई, आपको तो न्योता दे रहे हैं। मैं मेरे भाई खनन भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा कहा है, उन्होंने मुझे उस लायक समझा है कि उनके पार्टी के अंदर चलो, तो उनको भी पता है कि जब ये पार्टी शुरू हुई थी तभी हम लोग इसके फाउंडर लोग के अंदर। सही बात। बहरहाल मेरा कभी, मैंने कभी भी मेरे इंटरव्यू में कभी किसी नेता के बारे में, मैं मेरे लहजे में ही रह के बात करूँ, फिलहाल तो मेरा ऐसा कुछ नहीं, मैं मेरे नेताओं से मेरे पार्टी से बहुत खुश हूँ, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है। आज भी मैं, आप देखते हो गए, मैं शिवसेना के बैनर पे ही काम करता हूँ और मैं उनके सामने ही कहता हूँ कि मैं अभी भी शिवसेना में, और हमारी आज की जो मुलाकात थी ना वो किसी और सिलसिले में थी, क्योंकि इनका दायरा बड़ा है, इनके कुछ बिजनेसेस भी है, मेरे कुछ गाँव वाले हैं जो बैठक होती है, कुछ मेरे रिश्तेदार हैं जो इनके प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, तो वो प्रोजेक्ट में होता है कि एक रिश्तेदार है, उनकी नाराजगी होती है वो दूर करने की होती है, तो उन्होंने मुझसे कहा, और ये बिजनेस एक्चुअली मीटिंग थी हमारी, कोई पार्टी लेवल पे नहीं थी, लेकिन आप उसको पार्टी पे, आप पत्रकार हो, आप लोग हमेशा कोई भी त्यौहार में, अगर त्यौहार में कल को हवा साहब मेरे घर पे आ गए तो बोलोगे यार वो हो गया, आपको याद नहीं होगा लेकिन एक स्टेशन की तरह ओपनिंग हुई थी, उसमें मैं चला गया था क्योंकि वो हमारे महापौर संजय मोरे जी ने वो मंजूर किया था, तो ओपनिंग में चला गया, आप लोग ने सबने ठोक दिया, सुधीर भगत राष्ट्रपति में जा रही, उसके बाद से बहुत बड़ा बिंगावा हो गया। ऐसा नहीं है, मैं मेरे पार्टी में अच्छा काम कर रहा हूँ और शिवसेना को मजबूत कर रहा हूँ। हाँ बहरहाल मेरे और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, इनकी नहीं है, हर एक की अच्छी दोस्ती है, और सुभाष गोयल साहब आवड़ साहब के उधर जाके नाश्ता कर सकते हैं, आवड़ साहब सुभाष गोयल साहब इधर जाके खाना खा सकते हैं, तो क्या रोज क्या वो लोग पार्टी बदलेंगे क्या? मेन बात क्या है कि अगर मुंब्रा शहर में कुछ भी पार्टी में किसी को शामिल करना पड़ता है तो उसमें शमीम भाई और शानू भाई का अहम रोल होता है, क्यों नहीं होगा, सबसे पहले ये लोग जाते हैं, तो इसलिए आज यहाँ पर ये लोग इस बात के ऊपर, मैं आपको आवाजें तेज होने लगी कि आप शामिल हो रहे हैं, मैं इस बात से आपको ना, वो इस एरिया के सलवा मुंद्रा के वो प्रेसिडेंट है, हर एक चीज को उनको देखो, एक एक माला बनानी है, उस माला में हर एक फूल को उनको लगाना है, बेशक, तो उसके लिए वो मेहनत करेंगे, उनकी वो जद्दोजहद रहेगी कि वो माला कौन सी खूबसूरत होगी जो वो आवाज सबको पहना सकते, तो उसके बारे में नहीं है, लेकिन मैं भी तो मेरे तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसी वो कौन सी माला होगी जो मैं एकनाथ शिंदे साहब के गले में पहनाऊँ कि वो माला खूबसूरत होगी, हम दोनों उसी जद्दोजहद में, लेकिन हम लोग अपने अपने पार्टी के वफादार हैं और हम लोग दोनों एक अच्छे से काम कर रहे हैं। बहरहाल हमारी आज की जो मुलाकात थी वो कुछ और थी, आपने वहाँ से देख लिया और आपने उसको इश्यू बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग आज भी दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी है, दोस्त है, भाई है, लेकिन जब सोच की बात आती है तो वो अपनी पार्टी की सोच पे चलते हैं और मैं अपनी पार्टी पर चलता हूँ।